का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा, ऐसा ही कुछ देओल परिवार में हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बेहद ही खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि पिता, जिसे घर की नींव कहा जाता है, पिता जो बच्चे के सर का साया होता है, वही पिता अब चुनावों में भी अपने बेटे की जीत के लिए यहाँ पर जनता से दरख्वास्त कर रहा है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की, जो अपने बेटे सनी देओल के लिए चुनावी रोड शो के दौरान भी जनता से उनको जिताने की डिमांड करते देखे गए, मांग करते देखे गए, दरख्वास्त करते देखे गए। तो उसके बाद धर्मेंद्र ने बेटे सनी देओल के लिए यहाँ पर बुढ़ापे में जिस तरह से तमाम राजनीति को बताया है अपने ट्विटर के जरिए, यहाँ पर उन्होंने पोस्ट किया और यहाँ पर पहले तो वो राजनीति की सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि सनी को राजनीति इतनी नहीं आती है, मगर हाँ, भारत हमारी माँ है और हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं। ऐसे में हम यहाँ पर दिखाएंगे कि बुढ़ापे में किस तरह से धर्मेंद्र जो है वो यहाँ पर जोश में कहे या फिर यूं कहे कि चीख चीख कर अपने बेटे की जीत की मांग यहाँ पर जनता से करते दिखे। देखिए अब हमारी एक खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल, जिन्होंने बीते दिन ही गुरदासपुर में एक रोड शो को किया, रोड शो के दौरान यहाँ पर काफी तादाद में जनता को देखा गया, जहाँ पर सनी देओल जनता को लुभाते हुए भी देखे गए। पार्टी ने इन्हें 2.5 किलो का हाथ करके इंट्रोड्यूस भी कराया। यहाँ पर रोड शो के दौरान सनी पार्टी का देसी अंदाज देखा गया, यानी कि सनी का पिंडो वाला हिसाब साफ तौर पर यहाँ पर देखा गया। गदर फिल्म आप सभी ने देखी होगी, ट्रक पर जिस तरह से सनी देओल इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग करते दिखे, तो रोड शो के दौरान भी सनी का कुछ ऐसा ही अंदाज सामने आया। आपको बता दें कि सनी देओल के रोड शो के दौरान पापा धर्मेंद्र ने ट्वीट करके तमाम बातों का जिक्र किया है। यहाँ पर पिता हैं वो और बेटे सनी की जीत के लिए तमाम चीजें कह रहे हैं। दरअसल हम यहाँ पर आपको धर्मेंद्र का एक ट्वीट दिखा रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर वो चल रहा है, जहाँ पर धर्मेंद्र कहते हैं रज के सेवा करने यानी खूब सेवा करें। यहाँ पर धर्मेंद्र ने पंजाबी में लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि आप खूब सेवा करें। आपको बता दें कि सनी पाजी भी यहाँ पर गुरदासपुर की जनता के लिए खूब सेवा करेंगे, धर्मेंद्र का कहना है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि धर्मेंद्र जो है बेटे सनी के लिए अब सोशल मीडिया पर भी प्रचार कर रहे हैं, और बीते दौरान जहां पर धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के लिए प्रचार किया था, तो अब वो अपने बेटे का प्रचार करते दिखे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि धर्मेंद्र भी बीजेपी के टिकट पर बीकानेर से चुनाव लड़ चुके हैं और उनको जीत भी हासिल हुई थी। अब ऐसे में यहाँ पर बेटे के लिए जिस तरह से वो चुनावी प्रचार में उनकी मदद कर रहे हैं, जनता को लुभा रहे हैं, तो क्या सच में इस बारी गुरदासपुर सीट से सनी पाजी की जीत होगी, ये वाकई ही देखना काफी दिलचस्प रहेगा। नेक्स्ट आई न्यूज़ रूम से नैंसी की रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल जो इन दिनों काफी ज्यादा ही सुर्खियों का कारण बने हुए हैं। सनी देओल ने बीते दौरान जब से बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया, पार्टी को ज्वाइन करके उन्होंने जिस तरह से नामांकन को भरा और नामांकन को भरने के बाद जिस तरह से सनी पाजी जो हैं उन्हें बीजेपी से एक खास तोहफा भी मिला, अब यहां पर गुरदासपुर सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। रोड शो के दौरान भी देखा गया था कि सनी पाजी जो है काफी हद तक यहां पर जनता को लुभाते देखे गए। ऐसे में आपको बता दें कि कहते हैं ना कि अगर परिवार वाले आपका साथ दें तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं, ऐसा ही कुछ सनी देओल के साथ भी हो रहा है। दरअसल सनी पाजी ने जहां पर कुछ दिनों पहले ही लोकसभा चुनावों में हामी भरी थी, चुनाव लड़ने से भाजपा का हाथ थामा था, तो कहीं ना कहीं सनी को एक नेता के अंदाज में रैली करते हुए भी देखा गया। बेटे की सियासी पारी की शुरुआत पर धर्मेंद्र अपना सांसद वाला दौर याद करते हैं। पर्दे के सुपरस्टार धर्मेंद्र के संसदीय कार्यकालय के दौरान काफी आलोचनाएं हुई थी। दरअसल आपको बता दें कि धर्मेंद्र यहां पर काफी भावुक भी हो गए और बेटे के लिए प्रचार भी करते दिखे। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर धर्मेंद्र
कहते हैं कि सनी का सियासी सफर आसान नहीं होगा। धर्मेंद्र का बतौर सांसद कार्यकाल बार बार उनके रास्ते की अड़चन बनेगा, इसका अंदाजा उनके ट्विटर से आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ सनी के साथ उन्होंने अपनी एक तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया, जहां पर राजनीति मुद्दे भी थे। यहां पर धर्मेंद्र का कहना है, हम चले आए, अब बहुत सारे मेरे भाई बहन भली बुरी बातें कहेंगे, सब बातें सारे माथे पर। एक बात मैं दावे से कह देता हूँ, जो काम बीकानेर में 50 साल से ना हो सका, मैंने 5 साल में वो करके दिखाया। हालांकि धर्मेंद्र के इस दावे को कई यूजर्स जो है गलत ठहरा रहे हैं। धर्मेंद्र ने 2004 में बीकानेर से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था, मगर सांसद के गैर जिम्मेदारी के लिए उन्हें कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया। मगर ऐसे में यहाँ पर धर्मेंद्र ने कहा है कि मेरा बेटा सनी का आप सभी सहयोग करें। राजनीति इतनी घिनौनी हो चुकी है कि यहाँ पर कौन कब क्या कर देगा उसे समझना काफी मुश्किल है। मगर हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और वो ये है कि आप सभी, अगर सनी मेरे बेटे को अगर आप मौका देंगे तो वो यहाँ पर गुरदासपुर की धरती पर काफी काम करेगा, सेवा भी करेगा और आपकी परेशानी को भी सुनेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर धर्मेंद्र बुढ़ापे में जितना उनसे हो पा रहा है वो अपने बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं, वो अपने बेटे के लिए जनता से ये भीख भी मांग रहे हैं कि उन्हें एक मौका दिया जाए। अगर अब रोड शो की बात करें जो बीते दौरान गुरदासपुर में हुई, दरअसल गुरदासपुर में सनी पाजी का पहला रोड शो था, जो काफी हद तक लंबा बताया जा रहा था और सबसे अहम भी, क्योंकि इस रोड शो में सनी पाजी का वो गदर वाला अंदाज देखा गया। ट्रक पे बैठे सनी पाजी सर पे एकदम पिंडो वाले हिसाब, यानी कि गांव वाले हिसाब से सनी पाजी ने अपने सर पे जिस तरह से कपड़े को बांधा हुआ था, कुर्ता पजामा पहना हुआ था, वो उनके गदर लुक को झलकाता दिखा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रोड शो के दौरान सनी देओल को एक खास तोहफा मिला था और वो तोहफा हैंड पंप था। जी हाँ, कहा ये जा रहा है कि सनी देओल जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ही अब मीडिया में आ चुके हैं। अब ये देखना वाकई ही दिलचस्प होगा कि क्या सनी पाजी इस बारी गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या इस बारी गुरदासपुर सीट के सांसद सनी देओल बनेंगे। देखा आपने किस तरह से यहाँ पर धर्मेंद्र जो है बेटे सनी के लिए यहाँ पर बुढ़ापे में चुनावी प्रचार तो नहीं कर रहे, मगर हाँ यहाँ पर साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि भाई सनी अगर गुरदासपुर सीट से सांसद बनते हैं तब वो यहाँ पर सेवा भी करेंगे और आप सभी की दिक्कत को यहाँ पर दूर भी करेंगे। दरअसल धर्मेंद्र को बीते दौरान अपनी पत्नी हेमा मालिनी के लिए भी प्रचार के दौरान देखा गया था, जब उन्होंने कहा था कि अगर आप हेमा को वोट नहीं करोगे तो मैं टैंकी पर चढ़ जाऊंगा। फिल्म शोले तो आपने देखी होगी जहां पर ऐसा ही कुछ करते हैं धर्मेंद्र, और यहाँ पर एक बार फिर से मंच पर वो कुछ ऐसा ही कहते देखे गए थे। अब बात आ गई अपने बेटे की, क्योंकि एक ही परिवार के दोनों सदस्य बीजेपी से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक मथुरा सीट से तो दूसरा यहाँ पर गुरदासपुर सीट से। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सनी पाजी जिस तरह से प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, तो सनी पाजी के रोड शो में साफ तौर पर देखी गई जनता की भीड़, साफ तौर पर यहाँ पर ये देखा गया कि किस तरह से जनता का प्यार सनी को मिल रहा है। खैर, नतीजे बताएंगे कि क्या सच में गुरदासपुर से इस बार सनी पाजी की जीत होगी, क्या जनता उन्हें एक मौका देगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।